वेलकम गाइस, आज हम छंगी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि 2023 में रिलीज हुई है और ये मूवी कोरिया की ब्लॉकबस्टर्स मूवीज में से एक है। ये कहानी है 2035 की, जहां अर्थ पर सभी रिसोर्सेस खत्म हो गए हैं और इसीलिए हमारे साइंटिस्ट ने किसी दूसरे प्लैनेट पर लाइफ खोज ली है। लेकिन वहाँ कुछ रोबोट्स हैं जो ये नहीं चाहते कि इंसान इस ग्रह पर आकर रहे और इसीलिए इंसानों और उन रोबोट्स के बीच एक जंग छिड़ जाती है। अब उन रोबोट से लड़ने के लिए इंसान भी कुछ एडवांस रोबोट्स बना रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक जगह पर बहुत सारे रोबोट्स पड़े हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वहाँ कोई भयंकर लड़ाई हुई है। इन्हीं रोबोट्स के बीच हम एक सोल्जर को देखते हैं जिसका नाम चंगी होता है और ये इस कहानी की मेन कैरेक्टर भी है। और जब चंगी की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि कुछ रोबोट्स उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब वो अपनी गन उठाकर उन पर हमला कर देती है और एक एक करके बड़ी बहादुरी से सभी रोबोट्स को मार गिराती है। लेकिन तभी वहाँ एक खतरनाक रोबोट आ जाता है जो देखने में किसी डॉग जैसा लग रहा था। तभी छंगी को ये इंस्ट्रक्शन भी दिए जाते हैं कि इस रोबोट को मारने के लिए तुम्हें इसके पीछे की बैटरी को निकालना होगा और वो रोबोट भी छंगी के पीछे पड़ा हुआ था और वो भी इसका डटकर सामना करती है। और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि असल में छंगी अर्थ से बाहर किसी दूसरे प्लैनेट पर मौजूद है और यहाँ वो एक मिशन के लिए आई थी। और अब छंगी इस रोबोट से बचने के लिए ऊपर जाकर छिप जाती है, लेकिन असल में ये छंगी का ट्रैप था क्योंकि जब वो रोबोट छंगी को देखकर उस पर गोली चलाता है तो वो गोली छंगी को ना लगते हुए सीधा गैस टैंक पर जाकर लगती है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और बहुत सारे पत्थर आकर उस रोबोट पर गिर जाते हैं। ये इस मौके का फायदा उठाकर छंगी उस पर बंदूक तान देती है, लेकिन तभी उसकी नजर एक छोटी सी डोल पर पड़ती है जिससे वो उसे शूट नहीं कर पाती और तभी वो रोबोट उसे गोली मार देता है जिससे छंगी की दो उंगलियां टूट जाती है और यहाँ वो रुक जाती है। और इसके बाद हमें पता लगता है कि ये कोई असल वॉर नहीं थी बल्कि ये तो छंगी का एक रोबोट था जो कि एक टेस्टिंग का हिस्सा था। अब तभी उस लैब में कुछ साइंटिस्ट आते हैं। वो साइंटिस्ट कहते हैं कि ये हमेशा इसी पॉइंट पर आकर रुक जाती है। पता नहीं क्यों इसे क्या सूझा कि ये इससे आगे लड़ी नहीं पाती और हार जाती है। और फिर वहाँ कंपनी की लीडर आती है जो इन सबको कहती है कि आज हमारे पास कुछ आर्मी ऑफिसर्स आ रहे हैं और इसीलिए हमें काम को यही रोकना होगा। और फिर वो छंगी के रोबोट को एक्टिवेट करके वहाँ से ले जाते हैं और वो छंगी को ले जाकर उसकी बॉडी के सारे पुर्जे अलग कर देते हैं। सिर्फ उसके ब्रेन को ही इंटरव्यू वाले रूम में लेकर जाते हैं और जब ऑफिसर्स वहाँ आते हैं तो उनके सामने ये कंपनी अपनी प्रेजेंटेशन देती है। वो बताते हैं कि इस साल यानी कि 2135 में अर्थ में सारे रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं और इसीलिए हमें जीने के लिए किसी दूसरे प्लेनेट पर जगह बनानी होगी। लेकिन वहाँ पर कुछ रोबोट्स थे जो नहीं चाहते थे कि इंसान यहाँ आकर रहे और इसीलिए ही इंसानों के और रोबोट्स के बीच में एक जंग छिड़ गई है जिसका नाम है एड्रियन वॉर। और उन रोबोट से लड़ने के लिए ये लैब एक अच्छे फाइटर रोबोट्स बना रही है जो कि उनका सामना करके उन्हें हरा देंगे। यहाँ हमें ये बताया जाता है कि ये जंग कई सालों से छिड़ी हुई है और इस जंग में कोरिया की तरफ से एक बहुत ही जाबाज सोल्जर होती है जिसका नाम छंगी होता है। उसने काफी सारी लड़ाइयाँ जीती थी, लेकिन जब वो एड्रियन वॉर के लिए उस प्लेनेट पर गई तो वो इतनी जख्मी हो गई कि वो कोमा में चली गई। और अब साइंटिस्ट ने उसके दिमाग में से डाटा को निकालकर एक रोबोट के अंदर डाल दिया जिस रोबोट का नाम भी छंगी रोबोट है। और यहाँ सोल्जर ये भी बताते हैं कि अगर छंगी उस दिन कोमा में नहीं जाती तो शायद ये एड्रियन वॉर उसी दिन खत्म हो जाता, लेकिन इसी वजह से ही वो आज तक चला आ रहा है। और अब आगे सोल्जर ये भी कहते हैं कि छंगी भी अब हमारी मदद नहीं कर सकती क्योंकि वो तो एक टेस्ट को पास नहीं कर पा रही, तो फिर वो जंग को कैसे खत्म करेगी। दरअसल छंगी रोबोट को जंग के लिए तैयार करने के लिए सारा एटमॉस्फेयर वैसा ही बनाकर दिया जाता है जैसा कि उस दिन उस जंग में था, लेकिन फिर भी वो उसी जगह पर आकर रुक जाती है जहाँ वो उस दिन जंग में रुकी थी। इस प्रोजेक्ट की लीडर का नाम सियोंग होता है जो कि असल में छंगी की ही बेटी थी। यही ये प्रेजेंटेशन खत्म हो जाती है। इसके बाद हम उस लैब के डायरेक्टर को देखते हैं जो कि काफी खुश नजर आ रहा था। अब वो उस लैब के लीडर के पास जाता है और उसे कहता है कि अगर छंगी ने इस टेस्ट को पास कर लिया तो आर्मी हमसे काफी खुश हो जाएगी और वो हमारे रोबोट्स को जंग में भी शामिल कर लेंगे जिससे हमें काफी फायदा होगा। सियोंग कहती है कि आज यहाँ प्रेसिडेंट भी आने वाले हैं और इसके बाद वो छंगी के रोबोट के पास जाती है। यहाँ वो उसके दिमाग से उसके माइंड को निकाल देती है और उस रोबोट को तोड़ देती है। इसके बाद जब वो रूम से बाहर आती है तो वो कंपनी के एक वर्कर को
बताती है कि छंगी असल में मेरी मोम है और जब मैं छोटी थी तो मुझे कैंसर हुआ था और इस कैंसर को ठीक करने के लिए डॉक्टर्स ने ढेर सारी फीस मांगी थी। मेरे इलाज के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए मेरी मोम हर एक जंग में जाया करती थी और ये सब कहने के बाद अब वो अपने अगले टेस्ट के लिए निकल जाती है और इस अगले टेस्ट में इंसानों और रोबोट्स के बीच के फर्क को देखा जाना था। सियोंग जब ट्रेन में बैठी हुई थी तो वो अपनी मोम छंगी के बारे में ही सोचती है और यहाँ हमें एक पास्ट की फ्लैशबैक दिखाई जाती है। यहाँ हमें सियोंग के बचपन का वक्त दिखाया जाता है। यहाँ छंगी जंग में जाने वाली थी और वहीं दूसरी तरफ सियोंग भी ऑपरेशन के लिए जा रही थी। यहाँ छंगी उसे कहती है कि मैं जंग से लौटते ही तुमसे जरूर मिलूंगी और अपना ख्याल रखना। और अब कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में आती है। यहाँ सियोंग एक डॉक्टर के पास आई थी। डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारे लंग्स का कैंसर बढ़ता जा रहा है। मैंने भले ही तुम्हारे लंग्स का ऑपरेशन करके कैंसर को निकाल दिया हो लेकिन अब भी वो मौजूद है और कैंसर तुम्हारी बॉडी में इतना बढ़ चुका है कि तुम्हारे पास सिर्फ अपनी जिंदगी के 2 महीने ही हैं। और इस पर मैं तुम्हें एक एडवाइस भी देना चाहता हूँ कि तुम्हें अपने दिमाग का डेटा किसी रोबोट में डलवा देना चाहिए। और ये सुनकर लीडर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर भी असल में एक रोबोट है। इसके बाद में फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं सियोंग की नानी के पास कोरोइड कंपनी के लोग आए थे। वो उससे एक एग्रीमेंट पर साइन करवाते हैं जिसमें ये लिखा था कि छंगी की मौत के बाद उसके दिमाग का सारा डाटा निकालकर हम एक एआई में डालने वाले हैं जिससे वो एआई जंग में लड़कर इस जंग को खत्म कर देगा। फिर यहाँ वो सियोंग की पढ़ाई का सारा खर्चा खुद उठाने की बात करते हैं और ये सुनकर सियोंग की नानी उस एग्रीमेंट पर साइन कर देती है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ हम सियोंग को उसी लैब में देखते हैं और यहाँ कंपनी का डायरेक्टर छंगी के पैर में एक गोली मार देता है क्योंकि ऐसा करने से वो उसके दिमाग के वो हिस्से को निकालना चाहते थे जिसमें वो काफी बहादुर थी और डटकर सारी जंग में लड़ा करती थी। और गोली लगते ही छंगी के दिमाग का वो हिस्सा काम करने लगता है जो आज तक कभी भी काम नहीं कर पाया था। ये देखकर डायरेक्टर उस हिस्से को येलो मार्क कर देता है। इसके बाद उस कंपनी में प्रेसिडेंट आ जाते हैं और डायरेक्टर और सियोंग प्रेसिडेंट से मिलने के लिए जाते हैं लेकिन सडनली डायरेक्टर फ्रीज हो जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि डायरेक्टर भी असल में एक रोबोट है। और फिर ये दोनों प्रेसिडेंट के पास जाते हैं। यहाँ प्रेसिडेंट इन्हें ये बताते हैं कि मुझे ये सुनने को मिला है कि एड्रियन वॉर खत्म होने वाला है और इसीलिए तुम्हारी कंपनी को किसी एआई मिशन पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। जल्द से जल्द इस छंगी प्रोजेक्ट को बंद कर दो और अब तुम्हें ऐसे रोबोट्स को बनाना चाहिए जो लोगों के साथ उनके घरों में रहे और उनके डेली के काम करे। प्रेसिडेंट उन्हें ये भी बताते हैं कि सालों पहले मैंने अपने दिमाग के डेटा से एक रोबोट बनाया था और जो और कोई नहीं बल्कि डायरेक्टर है, यानी कि डायरेक्टर वो रोबोट है जिसे प्रेसिडेंट ने बनाया था। और अब प्रेसिडेंट एक बटन दबाकर डायरेक्टर के रोबोट को एक्टिवेट कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद वो दोनों फिर से जंगी का टेस्ट लेने लगते हैं जहाँ हम देखते हैं कि जंगी फिर से उसी पॉइंट पर आकर रुक जाती है जहाँ वो अब तक रुकती आई थी। और ये देखकर डायरेक्टर को इस बार काफी गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसकी सारी मेहनत खराब होने वाली थी। इसके बाद वो उस रोबोट को लेकर इंटरव्यू वाले रूम में जाता है और वहाँ वो छंगी का एक हाथ काटने को बोलता है क्योंकि वो ये देखना चाहता था कि वो येलो वाला हिस्सा कितनी देर तक काम करता है। और इसके बाद वो उस रूम में जाकर छंगी के पैर पर बहुत सारी गोलियां चला देता है। फिर डायरेक्टर उन सबको छंगी रोबोट को एक्टिवेट करने का बोलता है लेकिन सियोंग ऐसा नहीं होने देती और ये देखकर डायरेक्टर को काफी गुस्सा आता है। वो बाहर आकर सियोंग पर गन तान देता है और उसे डराकर उसे एक्टिवेट करने का बोलता है लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करती। और तभी वहाँ एक ऑफिसर आ जाती है जो डायरेक्टर को कहती है कि तुम्हें प्रेसिडेंट ने बुलाया है। उसके वहाँ से जाने के बाद सियोंग उन सारे ऑफिसर्स को बोलती है कि हमें इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द बंद करना होगा क्योंकि ये प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स हैं और आप इस रोबोट का सारा डाटा लाकर मुझे दे दीजिए। अब जब सियोंग एक रूम में जाती है तो वो देखती है कि जंगी का एक बहुत ही गंदा रोबोट बनाया जा चुका है और वो इसको बनाने वाले को मारने लगती है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि कंपनी ने ये ऑर्डर्स दिए हैं कि वो जंगी के रोबोट को किस
किसी को भी बेच सकते हैं, क्योंकि अब वो रोबोट जंग में लड़ने के काबिल नहीं रहा। और ये सुनकर शियोंग उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो फिर से छंगी के रोबोट के पास आती है और उससे बात करना शुरू करती है। और यहाँ उसके ब्रेन का येलो वाला हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें उसकी पुरानी याददाश्त छुपी हुई थी। और यहाँ छंगी उसकी बेटी को कहती है कि आज मेरी बेटी का ऑपरेशन था। वो कहती है कि जिस दिन मेरी बेटी का ऑपरेशन था तो उसने मुझे एक छोटी सी गुड़िया दी थी और ये बोला था कि इसे संभाल कर रखना, लेकिन वो मुझसे कहीं खो गई और मैं इसी वजह से परेशान हूँ। और ये सुनकर शियोंग काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि उसकी माँ ये नहीं जानती थी कि उसकी बेटी जो कि शियोंग है वो उसके सामने ही खड़ी है। अगले दिन टेस्टिंग का आखिरी दिन होता है और टेस्टिंग पर जाने से पहले शियोंग अपनी माँ की सारी याददाश्त मिटा देती है और उसके दिमाग के येलो वाले हिस्से को काफी हद तक कम कर देती है। और इसके बाद टेस्टिंग शुरू हो जाती है उसी तरह से जैसे हर रोज हुआ करती थी, लेकिन एक बार फिर से जंगी रोबोट उसी जगह पर आकर रुक जाती है। डायरेक्टर को यहाँ पर थोड़ा सा शक होता है, इसलिए वो रिकॉर्डिंग को फिर से देखता है और यहाँ उसे पता चलता है कि जंगी को गोली नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी वो मरने की एक्टिंग कर रही थी। तो वो जल्दी से इमरजेंसी अलार्म बजा देता है और उधर जंगी बिल्कुल ठीक थी और वो एक एक करके सबको मारना शुरू कर देती है। अलार्म बजने के कारण वहाँ पर पुलिस आने लगती है, जो कि रोबोट पुलिस थी। अब जंगी एक रूम में जाती है और वहाँ जाकर वो देखती है कि वहाँ पर उस जैसे हजारों रोबोट थे और वो वहाँ खड़ी उन सबको देख ही रही थी कि तभी वहाँ कुछ फाइटर रोबोट आ जाते हैं जो जंगी को पहचान लेते हैं। लेकिन जंगी डटकर इन सबका सामना करती है और देखते ही देखते यहाँ एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है और फिर रोबोट पुलिस भी वहाँ पहुँच कर जंगी से लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी एक रोबोट जंगी को पकड़ लेता है और वो उसे मारने ही वाला था कि तभी पीछे से शियोंग आ जाती है, तुरंत उस रोबोट को पीछे से बंद कर देती है। फिर रोबोट पुलिस कैमरा में देखती है कि शियोंग ने जंगी का डेटा निकाल कर किसी दूसरे रोबोट में डाल दिया है और फिर वो उस रोबोट को लेकर कहीं जा रही थी। इसके बाद जब वो उस रोबोट को लेकर ट्रेन में जाने लगती है तो वो देखती है कि वहाँ पर तो डायरेक्टर पहले से ही मौजूद है और वो सीधा शियोंग को गोली मार देता है। और ये देखकर जंगी के रोबोट को इतना गुस्सा आता है कि वो डायरेक्टर से लड़ने लगती है। जंगी डायरेक्टर को गोली मार देती है जिससे वो गोली उसकी आंख में लगती है और आज जाकर डायरेक्टर को ये पता लगता है कि वो भी असल में एक रोबोट है और अब वो और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था और वो जंगी पर जाकर अटैक कर देता है। और इसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और तभी वहाँ रोबोट पुलिस भी आ चुकी थी और छंगी अकेली ही इन सब से लड़ाई करती है। और तभी थोड़ी देर बाद ट्रेन का एक हिस्सा टूटने लगता है और जहाँ डायरेक्टर और छंगी दोनों ट्रेन से नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन वहाँ शियोंग टाइम पर पहुँच जाती है और वो छंगी को बचा लेती है और इसके बाद डायरेक्टर नीचे गिरकर मर जाता है। तब शियोंग छंगी के रोबोट से कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि बाकी लोग यहाँ पर किसी भी टाइम पहुँच सकते हैं और वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और अब तुम तुम्हारी जिंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए आजाद हो। और फिर दोनों माँ बेटी आखिरी बार गले मिलती हैं और इसके बाद जंगी वहाँ से भाग जाती है अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए और बार बार इस लैब की टेस्टिंग से भी आजाद हो चुकी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।